वेलकम सेवेंथ क्लास। देखिए, हम चैप्टर स्टार्ट किया था एनिमल फाइबर्स, जैसा कि हमारा चल ही रहा है ये चैप्टर। इसके अंदर हम वूल के टाइप्स देख चुके थे, एल्पाका, लेमा, कैमल हेयर, कश्मीर, एंगोरा, मोहर, याक वूल। ये टाइप्स हैं, इन टाइप्स की हमारी वूल होती है, ठीक है। अब होता है कि जो ये हेयर्स होते हैं, वूल कहाँ से मिलती है हमें? एनिमल्स के हेयर्स से। तो वो हेयर से वूल में कैसे कन्वर्ट होती है, तो इसके स्टेप्स होते हैं, जो कि मैंने बताए थे आपको स्टेप्स, तो उसको आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट होता है रेयरिंग। रेयरिंग का मतलब होता है कि शीप से वूल, शीप से उसके हेयर्स को लेना, ठीक है। शीप आर रेयर्ड मेनली फॉर देयर वूल, ठीक है। मतलब कि एक तरह से जो शीप्स होती हैं उनका पालन पोषण करना फॉर वूल्स इज कॉल्ड रेयरिंग, ठीक है। पालन पोषण करना किसके लिए? वूल्स के लिए। दे आर मेनली रेयर्ड इन द एरियाज विद लो रेनफॉल, जहाँ कम रेनफॉल होता है वहाँ पर इनको पाला जाता है। किनको? एनिमल्स को, वूल्स के लिए, ठीक है। इन इंडिया दे आर मेनली रेयर्ड इन हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। इंडिया में इन स्टेट्स में ज़्यादातर वूल्स को पाला जाता है। शीप हैव अ लाइफ स्पैन, शीप जो होती हैं, भेड़ होती है, उनका 10 से 12 साल का जीवन होता है, ठीक है। दे ईट ग्रास एंड लीव्स। रेयर्ड शीप आर ऑल्सो फेड ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेज। अब जो मेनली है वैसे तो ग्रास और लीव्स खाती हैं, ठीक है, शीप भेड़ें, बट उनको अगर अच्छा आपको आउटपुट चाहिए, अच्छी वूल चाहिए, तो उनको खाना भी अच्छा देना होगा। इसके लिए उनको क्या दिया जाता है? पल्सेज, दालें, कॉर्न, मक्का के दाने होते हैं, ज्वार, ऑयल केक्स होता है, खली जो भैंसों को भी डाली जाती हैं, ठीक है, एंड मिनरल्स, ठीक है, ये सब भी उनको खिलाया जाता है ताकि उनसे अच्छी वूल हम प्राप्त कर सकें। इन विंटर्स दे आर केप्ट इनडोर एंड फेड ऑन ड्राई फोडर एंड लीव्स एंड ग्रेन्स। जब विंटर ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इन एरियाज में विंटर ज़्यादा होती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन सब एरिया में, तो उनको इनडोर मतलब अंदर की तरफ रखा जाता है, ठीक है, उनको बाहर खुले में नहीं रखा जाता है, और उनको सूखा चारा दिया जाता है, जो कि ये फोडर, लीव्स एंड ग्रेन्स, ठीक है। अब रेयरिंग का मतलब क्या होता है? रेयरिंग का मतलब होता है कि शीप्स, भेड़ों का पालन पोषण करना फॉर वूल्स, ठीक है। आगे आ जाइए, शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स होता है कि वंस आ शीप डेवलप्स अ थिक कोट ऑफ हेयर, इट इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, ठीक है। जब भेड़ या जो जिनसे हम वूल लेना चाह रहे हैं उनके अच्छे थिक बाल आ चुके होते हैं, उनके हेयर्स आ चुके होते हैं उनके, तो उनको शेव कर लिया जाता है के हेयर्स को वूल के लिए, ठीक है। इसको शेयरिंग बोला जाता है, ठीक है, उनके हेयर्स को रिमूव करना उनकी बॉडी से, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी से। द रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। इट कैन बी डन मैनुअली विद अ लार्ज रेजर और विद अ शेयरिंग मशीन। तो इसके लिए मशीन का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर रेजर का। शेयरिंग इज यूजुअली डन बाय ड्यूरिंग द हॉट सीजन। कैन यू से वाई? जो शेयरिंग है, जो हेयर्स का रिमूवल किया जाता है, प्रोसेस होती है, इसको मोस्टली कब किया जाता है? विंटर्स में, सॉरी हॉट सीजन में, ठीक है, समर्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि विंटर्स में तो उनको अपने हेयर्स चाहिए टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ फ्रॉम विंटर सीजन, ठीक है, इसलिए ये हॉट सीजन में किया जाता है। देखिए, यहाँ पर शेयरिंग के लिए दिखाया गया फोटो, जिसके अंदर रेजर का यूज़ करके इस एनिमल से उसके हेयर्स को रिमूव कराया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब क्या होता है? द शेयर्ड हेयर इज रिमूव्ड थ्रू द टब्स फिल्ड विद सॉपी वुड टू रिमूव डस्ट। अब जो हमने हेयर्स रिमूव किए हैं एनिमल की बॉडी से, वहाँ पर काफ़ी सारा डस्ट पार्टिकल होते हैं, ग्रीस होता है, ऑयली पार्ट भी होता है, तो उस सबको रिमूव करने के लिए टब के अंदर सॉपी मिक्सचर से उसको साफ़ किया जाता है, इसको बोला जाता है स्कोरिंग, ठीक है। स्कोरिंग का मतलब होता है वूल की साफ़ सफाई करना। इट इज़ देन पास्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर्स एंड ड्रायर्स, फिर उसको सुखाया जाता है, ठीक है। सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है? सॉर्टिंग कंसिस्ट ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्स्चर्स। अब देखिए, जो हेयर्स होते हैं शीप के, वो अलग अलग टेक्सचर के होते हैं, कुछ लॉन्ग हेयर होते हैं, शॉर्ट हेयर होते हैं, ठीक है, और उनकी यूजेस भी अलग अलग होते हैं, इसलिए उनको अलग किया जाता है, तो उसको बोला जाता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स हेयर्स को सेपरेट करना, ठीक है। रिमूविंग बर। बर मीन्स कुछ एक्स्ट्रा फ्लफी फाइबर्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। बर्स आर सॉफ्ट फ्लफी फाइबर इन वूल सिमिलर टू डोज दैट ऑफन अपीयर ऑन स्वेटर
यू वियर, ठीक है, जैसे कि रुए जो आ जाते हैं, रुए कहते हैं हम, हमारे कपड़े पर रुए आ गए, उस तरह से जब कोई पार्टिकल्स होते हैं इस वूल के साथ मिक्स, उसको रिमूव किया जाता है, दे आर रिमूव्ड मैनुअली। डाइंग मीन्स होता है कलर का चेंज करना, द नेचुरल हेयर ऑफ शेप इज़ वाइट और ब्राउन और ब्लैक, इट इज़ डाइड इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है, अलग अलग कलर्स में, देखते ना आप कि स्वेटर या वूल जो होती है काफ़ी सारे कलर्स में होती है, तो कलर में चेंज किया जाता है। मेकिंग यार्न, अब जब सब प्रोसेस हो जाती है तो रेडी हो जाता है वूल अच्छे से, तो उसके धागे बनाए जाते हैं, यार्न का मतलब होता है धागा, ठीक है। नेक्स्ट द वूल इज़ स्ट्रेटन्ड, उसको सीधा किया जाता है, स्ट्रेटन्ड मीन्स सीधा करना, कॉम्ब्ड मतलब कंघी करना, एंड स्पन इनटू यार्न, स्पन मतलब होता है उसका घुमा घुमा कर एक तरह से धागा बनाना, ठीक है। आफ्टर स्पिनिंग वूल इज ईदर वूवन और नीटेड, अब स्पिनिंग हो गई, स्पिनिंग के अंदर उसको धागा बनाया गया, तो धागा बनने के बाद उसको क्या किया जाएगा, उसको वूवन और नीटेड मतलब होता है उसको बुन कर उससे कोई कपड़ा तैयार करना, जैसे कि स्वेटर, सॉक्स, ये सब तैयार होती है। लॉन्गर फाइबर्स आर नीटेड इनटू वूल फॉर स्वेटर, जो लॉन्ग बड़े धागे होते हैं उनसे स्वेटर बनते हैं। द शॉर्टर फाइबर आर वूवन इनटू वूलन क्लोथ्स, ठीक है, जो छोटे धागे होते हैं उनसे मिलकर कपड़ा बनता है, गर्म कपड़ा। द क्वालिटी ऑफ वूल वेरीज़ फ्रॉम वन ब्रीड ऑफ शेप टू अनदर, अब क्वालिटी भी अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है कि सभी शीप से हमें सेम टाइप की वूल मिले, ठीक है, अलग अलग शीप से अलग टाइप की क्वालिटी की वूल मिलती है। द क्वालिटी इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, थिकनेस के बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे, शाइन, स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ द फाइबर, ये सब चीज़ें होती हैं, इससे डिपेंड करता है कि वूल कैसा होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं इंडियन ब्रीड्स ऑफ शेप, इंडिया में ये लोही, नल्ली, बकरवाल और मरवाड़ी और पटवाड़ी, ये सारी वूल्स के ब्रीड है, इनसे हमें जो वूल मिलती है उसकी क्वालिटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। जो लोही ब्रीड की शीप होती है उनकी गुड क्वालिटी वूल होती है, नल्ली की कारपेट वूल होती है, इससे कारपेट बनते हैं, बकरवाल से फॉर वूलन शॉल बनते हैं इससे, और मरवाड़ी से कोर्स वूल का मतलब होता है लंबे धागे वाले, लॉन्ग फाइबर वूल मिलती है जिससे कि हमारे जो स्वेटर वगैरह बनाए जा सकते हैं, पटवाड़ी से फॉर होजरी, ठीक है, ये होजरी के लिए यूज़ की जाती है, इस तरह से देख सकते हैं आप, ये मार्केट में इस तरह से हमें, हम कहते हैं ऊन के गोले, तो ये क्या है, वूल फाइबर बोला जाता है इन्हें। यहाँ पर रोलिंग इनटू यार्न, यहाँ पर धागो जब सारा वूल तैयार हो जाता है तो धागे की प्रोसेस में इसको मशीन से कन्वर्ट किया जाता है, और यहाँ पर इसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं, स्कोरिंग पानी के अंदर डाल के उसको साफ़ करना, ठीक है, सर कुछ सर्फ वगैरह के साथ। ओके, थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।